डॉक्टर्स डे निमित्त AM मॉर्निंग रायझर कॅम्पेन मध्ये आज आपल्या सोबत आहे देशातील नामवंत कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, जे आपल्याला आपले हृदय स्वस्थ ठेवण्यासंदर्भात अधिक माहिती देतील आणि सोबतच आपल्याला सांगतील की अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटॅक्स पासून कसा बचाव केला जाऊ शकतो. सो वेलकम डॉक्टर प्रशांत मिश्रा. हे खरंय का की जास्त लोकांना हृदयाचा झटका म्हणजे हार्ट अटॅक सकाळच्या वेळी येतो? हाँ, मैक्सिमम हार्ट अटैक्स यूजुअली सुबह 3 से दोपहर 12 के बीच में, और जो हार्ट अटैक्स ये अर्ली आवर्स में आते हैं ये ज्यादा सीवियर होते हैं. बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स होते हैं जिससे ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी ये सबसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है, स्पेशली जब ठंड होती है. कोई भी पेशेंट हो जिसे हार्ट अटैक रिलेटेड सिम्टम लग रहे हो तो उन्होंने इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक ECG निकलवा के लेना चाहिए. ओनली ECG कैन टेल अस दिस पर्सन व्हाट एवर सिम्टम्स ही हैज इज related to a heart attack or not. But the suspicion is strongest, especially in patient who is coming to us in the early hours of the day. Doctor, early morning heart attack cha magsa karan kay? Mhanje kondya karanani ha yeto? Doctor, amcha listeners na sanga ki morning heart attack pasun te kasha prakare swatasa bachav karu shaktat? The same way, we do not need to do something special for early morning heart attacks. Eating healthy, diet rich in vegetables and fruits, maintaining regular physical activity, staying away from smoking or any other tobacco habit, and regularly seeing your doctor, checking your blood pressure, blood sugar levels and cholesterol levels and treating them accordingly. If we could do these 4 things, eating healthy, maintaining regular physical activity, staying away from smoking or tobacco and regularly monitoring your blood pressure, diabetes and cholesterol, if we could do this, we could even prevent 50% of the heart attacks. We have to encourage this healthy lifestyle in our population. Doctor, mi asa aiklay ki heart cha health madhe sleeping position cha khup motha role hai. Tar aplya heart sathi konti sleeping position sarvat changli hai? Unless there is a specific reason for a particular sleeping position, one need not adopt a particular sleeping position. One must sleep in the position that one is most comfortable with. Kai hote hain overweight log ya obese log hote hain jinko sleep apnea ya excessive snoring ki tendency hoti hai. Aise patients ko hum log recommend karte hain ki wo supine matlab peeth ke bal pe na soye par ek sideways so. Sideways sone ke karan snoring कम होता है और इन पेशेंट्स को देखो ब्रीदिंग ज्यादा एडिक्वेट होती है और बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है. तो ऐसे लोगों को हम लोग जनरली साइडवेज पोजीशन में कहते हैं. डॉक्टर, चेतावनी देणारे संकेत किंवा लक्षण हार्ट अटैक मध्ये काय असतात? छाती में दर्द होना ही बस हार्ट अटैक का होता है, पर नॉट जस्ट अ स्मॉल पोर्शन, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल हैव वेरी नॉन स्पेसिफिक और एटिपिकल सिम्टम्स, मतलब बहुत टिपिकल नहीं होता है. कईयों को जॉ पेन होता है, कईयों को लेफ्ट शोल्डर पेन होता है, लेफ्ट आर्म में पेन होता है, कईयों को प्लेन अनइजीनेस और स्वेटिंग एक्सपीरियंस करता है वो लोग. मोस्ट कॉमनली होता है तो कई लोगों को घबराहट की फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में हो सकता है या इवन बैक पेन होता है. एंड ये सिम्टम्स अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने पर अगर ज्यादा हो रहे होंगे तो ये टाइप के सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट अटैक आने की रिस्क का इंडिकेट कर सकता है. ऐसे पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वो अपने डॉक्टर से मिले और ECG करवा लें. डॉक्टर, हार्ट पेशेंट्स ला मिठाची मनाई केली जाते किंवा कमी यूज करायला सांगितलं जातं, तर मीठ वास्तवात आपल्या सर्वांसाठी किती किंवा स्पेशली हार्ट पेशंट साठी किती हानिकारक आहे? सॉल्ट या नमक ये एसेंशियल है बॉडी के लिए. कोई भी खाने को टेस्ट तो ऐड करता ही है वो, पर वो रिक्वायर्ड भी है बॉडी के लिए. बट प्रॉब्लम इज टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज ऑल्सो इक्वली बैड. सो अनफॉर्चुनेटली आवर मॉडर्न डाइट कंटेन्स एक्सेसिव सॉल्ट एंड ये एक्सेस सॉल्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. और ये हाई ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली रिलेटेड बहुत सारे अलग नेगेटिव चीजों के साथ है. हार्ट अटैक्स की रिस्क ज्यादा है, किडनी की प्रॉब्लम्स की रिस्क ज्यादा है, एंड द मोस्ट हाइएस्ट रिस्क इज फॉर पैरालिटिक अटैक. सो वॉट एज डॉक्टर्स और एज कार्डियोलॉजिस्ट इज वी वुड आस्क आर पॉप्युलेशन टू कट डाउन ऑन देयर ओवरऑल सॉल्ट इनटेक. डॉक्टर, जर मला एक हेल्दी लाइफ पाहिजे तर कोणत्या लाइफस्टाइल चॉइसेस माझ्या हृदयाला स्वस्थ ठेवण्यात मदत करतील? चार चीजें हम लोगों ने एम्फसाइज करनी चाहिए और बस हार्ट के लिए, ओवरऑल गुड बॉडी हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए. एक होता है हेल्दी ईटिंग विच शुड बी प्राइमरली बेस्ड अपॉन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाइट, मेंटेनिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट एक्सरसाइज कुड बी समथिंग एज सिंपल एज वॉकिंग एवरी डे. थर्ड थिंग वुड बी टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग और द टोबैको हैबिट. एंड द फोर्थ इज व्हेनेवर यू विजिट योर डॉक्टर इंसिस्ट दैट ही चेक्स योर ब्लड प्रेशर. सम बीच बीच में ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल भी चेक करने चाहिए. हेल्दी ईटिंग, मेंटेनिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्टेइंग अवे फ्रॉम टोबैको एंड स्मोकिंग एंड रेगुलरली मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल.